तो 2022 में मैंने टोटल 7 डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल की और 2023 में मेरा गोल है कि मैं 7 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को विजिट करूँ। कनाडा में रहता हूँ मैं, 6 महीने मैंने कनाडा में गुजारे और उसके बाद 6 महीने लास्ट ईयर मैं डिफरेंट जगहों पे गुजार चुका हूँ। कुछ कंट्रीज़ मैं 2-3-4 दफ़ा भी गया, जैसे US में हमारे अक्सर कॉन्फ्रेंसेज होते हैं तो वहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम्स जाता हूँ। एक दफ़ा मायामी गया, फिर न्यूयॉर्क गया, वेगस में 2 दफ़ा गया। सो इट ऑल एड्स टू दैट एक्सपीरियंस। कैसे मैंने ट्रैवल किया? आपका बिजनेस जो है वो सेटअप होना चाहिए कि वो परफॉर्म करे आपके एब्सेंस में भी। हर बंदे को, हर टीम मेंबर को अपना रोल और अपना गोल क्लियरली पता होना चाहिए ताकि वो आपकी एब्सेंस में भी दे नो व्हाट टू डू एंड द बिजनेस परफॉर्म्स। आपके ऊपर कोई भी चीज़ डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ डिपेंडेंट होगी वैसे भी बॉटल नेक्स क्रिएट होंगे, मतलब कि ट्रैफिक जैम हो जाएगी ना। तो आपने मेक श्योर क्या करना है कि जब भी कोई टास्क आपको मिले आप पूछो अपने आप से कि ये टास्क मेरे पास क्यों आया और इसको मैं किस तरह डेलीगेट कर सकता हूँ ताकि अगर मुझे कल को कोई वेकेशन देनी पड़ भी जाए तो ये टास्क जो है फिर भी हो सके। अच्छा, एक बेनिफिट जो मैं फॉर्चुनेट हूँ ना वो ये है कि डिजिटल एजेंसी जो है वो सारी डिजिटल है, पूरी क्लाइंट कम्युनिकेशन डिजिटल है। इवन दो हमारी जो है ऑपरेशंस वो इन पर्सन होनी चाहिए बिकॉज एक टीम की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेट से प्रोडक्शन हो रही है, शूट हो रहा है, मॉडल को होना ज़रूरी है, सेट डायरेक्टर को होना ज़रूरी है, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है उसको होना ज़रूरी है, जो वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, सेट असिस्टेंट है, मे बी मेकअप आर्टिस्ट है, हर किसी को उधर होना ज़रूरी है। लेकिन अगर तो आपके क्लाइंट्स डिजिटल हैं और सारी कम्युनिकेशन जो है वो ओवर ईमेल्स, टेक्स्ट हो रही हैं, देन यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड और आप फिर भी कम्युनिकेशन कर सकते हो अपनी टीम के साथ और अपने क्लाइंट्स के साथ। तो एक दफ़ा आज़ादी आपको मिल गई कि आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, अब आपने सोचना ये है कि मैं किस तरह अपने काम को जो है ना अपने ट्रैवल के साथ मर्ज कर दूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स आर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक साल में मेरे कोई 5-6 ट्रिप्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट कंट्रीज़ में कॉन्फ्रेंसेस करनी होती है। एंड लकीली अगेन डिजिटल एजेंसी है तो कॉन्फ्रेंसेस भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड होते हैं। वी जस्ट हैव टू गो प्रेजेंट, बट एट द सेम टाइम उस कॉन्फ्रेंसेस के साथ हम उसको एज अ वेकेशन ले लेते हैं और उसको इंजॉय भी कर लेते हैं। सो लेट्स से मैं जर्मनी जाता हूँ, यू नो जगह बड़ी प्यारी है, उधर कॉन्फ्रेंस किया, उधर अगर कोई स्पीकिंग गिग है वहाँ पे स्पीक किया, उसके बाद आई एम ऑल फ्री। या तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि कॉन्फ्रेंस से पहले वाला जो टाइम होता है ना उसको एज अ वेकेशन यूज़ करूँ, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ा होमवर्क भी तो करना होता है ना, क्लाइंट्स भी तो क्लोज करने हैं, इतना स्पेंड किया है। सो बाज़ औकात क्या होता है कि वेकेशन की, कॉन्फ्रेंस अटेंड की, क्लाइंट्स क्लोज किए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किया, सेलिब्रेट किया और दोबारा रिंस एंड रिपीट नेक्स्ट राउंड की तरफ जाओ। अच्छा, अब ऐसे भी ट्रिप्स होंगे जो कि प्योरली वेकेशन होंगे, लेकिन आप बिजनेस माइंडेड हो, आपने बिजनेस माइंडेड पर्सन की तरह सोचना है कि किस तरह मैं इसको भी लेवरेज करके एक नेटवर्किंग का एंगल प्ले करूँ। तो अभी 2022 के अंदर लेट से मेरा एक ट्रिप था बाली का, वहाँ पे हम एक महीना की हमने गुजारा, लेकिन वो ऑब्वियसली था वर्क रिलेटेड, बट फॉर द मोस्ट पार्ट वी वर देयर फॉर द वेकेशन। सो व्हाट आई थॉट वाज, हमारी अमेजोन की एजेंसी है, यहाँ पे ज़रूर अमेजोन सेलर्स के ग्रुप्स होंगे। कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हुआ ओवर द इंटरनेट, वहाँ पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में एंटर हुआ और उनके जो इवेंट्स थे उन पे मैं जाता रहा। आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन लाइक 3 डिफरेंट मीटिंग्स मुझे 2 क्लाइंट्स मिल गए। दैट्स हाउ पावरफुल इट इज़, और वो 2 बहुत बड़े क्लाइंट हैं। एंड मुझे तो लग क्या रहा है कि मेरा रिटर्न जो पूरा वेकेशन मैंने स्पेंड किया है, पूरे $8,000-$10,000 मैंने स्पेंड किया उस वेकेशन के ऊपर, वो वैसे ही मुझे रिटर्न हो जाएंगे। तो देखो, ट्रैवल करो, ट्रैवलिंग से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। यंग एज में जितना आप ट्रैवल करेंगे ना, एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानियों में मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, जो ट्रैवल करते रहते हैं ना, दे ब्रिंग इन फ्रेश आइडियाज बैक टू द कंट्री। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ऐसी यूनिक चीज़ें जो और मुल्कों में हो रही होती हैं, वो आप पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करते हो, इट बिकम्स द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट? तो एक्सपोजर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू इन अ यंग एज, बिकॉज आप देखते हो कि और लोग दुनिया में कैसे सोचते हैं। मैं उधर इवन अगर लेट्स से कैफे या किसी रेस्टोरेंट या कोई भी बिजनेस आप ले लेना, वहाँ पे मैं जाता हूँ, विद इन 15 मिनट्स मुझे पता लग जाता है कि ये बिजनेस ऑपरेट कैसे कर रहा है, कितने लोग हैं, क्या रेवेन्यू तकरीबन कर रहा होगा, क्या किस तरह की प्राइसिंग से, आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा बिजनेस जो है वो लुक्रेटिव है। अगेन बाली की एग्जाम्पल दूंगा, मैं उधर गया,
अभी ऑलरेडी मैं एक स्कूटर का बिजनेस, स्कूटर रेंटल का बिजनेस जो है उसको मैंने शुरू कर दिया है. आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड स्कूटर्स. एंड सेकंड चीज, अभी उधर बाली में विला बिजनेस बहुत हॉट है, एयरबीएनबी पे लोग डाल रहे हैं, तो आई एम लुकिंग इनटू दैट वन. सो अगर मैं ना गया होता बाली, मुझे नहीं पता होता कि उनकी 40% जो जीडीपी है इंडोनेशिया की वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड देयर इज सो मच पोटेंशियल, देयर इज सो मच डिमांड फॉर विलाज. सो आई एम ट्राइंग टू पेनिट्रेट दैट मार्केट. And the only way I was able to do that is because मैं उधर गया, मैंने physically देखा कितनी demand है, लोग कितने पैसे दे रहे हैं. और जब मैंने back end पे pricing check की, amazing return on investment, right? So ये जो fresh ideas है ना, जब आप अक्सर सोचते हो कि लोग कैसे unique ideas लेके आ जाते हैं, most of it is because of traveling. So travel around and make sure you capture good experiences and also enjoy the place.